गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आज चैप्टर 6 है हमारा, नंबर अप टू 1000। चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, इसमें क्या करना है, टिक द सेट ऑफ ब्लॉक्स दैट शोज दैट नंबर इन द बॉक्स। तो हमें इसमें टिक करना है जो ये नंबर दिया है कितना है, 1 stands 100 मीन्स 515। तो इसमें से कौन सा 515 है उसको हमें टिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट इन्होंने करके दिखा दिया, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर शेप में, तो ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं स्क्वायर बने हुए, तो ये एक जो है वो 100 का है, तो 100 200 300 400 500। तो ये कितने हो गए, कितनी शीट्स इसमें, 5, तो ये 500 हो गए। और ये जो एक कॉलम है ये 10 का होता है, ये कितने का होता है, 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 5 ब्लॉक्स हैं, तो ये पूरा कितना हो गया, 515। और यहाँ देखेंगे आप ये कितने सारे हैं, तो ये इसलिए इस पर टिक कर दिया गया है। वैसे ही सेकंड आप ये देखेंगे, ये क्या है, 1 stands 100 270, तो 100 200 201 202 203 204 205 6 7 8, तो ये हो नहीं सकता, हमें कितना चाहिए, 270 चाहिए, तो 100 और ये 200 210 20, जैसा मैंने अभी बताया ना यहाँ पे कि एक लाइन जो होती है वो 10 की होती है, और ये जो पूरा स्क्वायर शेप में है वो कितने का होता है, वो 100 का होता है। तो 200 10 20 30 40 50 60 70, तो डैट मीन्स कौन सा हमारा सही है, ये वाला करेक्ट है, इस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट सी है, देखेंगे आप ये क्या है, 509 1 stands 100 509, तो 100 200 300 400 500 501 502 3 4 5 6 7 8 9 509। और यहाँ देखेंगे कितने सारे दिए हुए, 100 200 300 400 500 600 700 800, तो ये ज़्यादा हो गया, तो आप इस पे टिक करेंगे। तो आपको इस तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन कॉपी में ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं, राइट द नंबर्स, ये कितना है, 100 200 300, तो ये कितना है हमारा, 300s 10 20 30 मीन्स 3 10s, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। अब इसको आपको यहाँ पे लिखना भी है, तो 1s की प्लेस पे क्या नंबर है हमारा, 5, 10s की प्लेस पे 3 335। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब इसको देखेंगे आप कितने हंड्रेड से, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए, 500s, 10s में कितने हो गए, 2 2, और 1s में क्या है, 1। ऐसे ही इसको यहाँ पे लिखेंगे 521। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जैसे कॉपी में, ई बुक में ड्रॉ किया गया, वैसे ही आपको नीट एंड क्लीन कॉपी में भी ड्रॉ करना है। बस ये याद रखना है कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें छोटे छोटे स्मॉल जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं वो पूरे 100 हैं, तो 100 200 300, और एक लाइन जो है ये पूरी हमारी 10 की होती है, और ये सिंगल स्क्वायर 1। चलिए आगे करते हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स 500, 10s में क्या है, 1 और 2, इसको ऐसे फिल कर देंगे, 512। नेक्स्ट करते हैं, राइट द नंबर नेम, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आप ये देखेंगे 1 stands 100 109, तो ये देखिए आपको लिखकर यहाँ पे एक दे दिया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, 1 stands 100, तो 100 की प्लेस पे क्या है, 2 200, HUNDRED 100, और 10s की प्लेस पे क्या होता है, मैंने जैसे हमें बताया है कि 10s की प्लेस पे 10 से लेके 90 तक के बीच की डिजिट्स होती है, मीन्स यहाँ पे 2 है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 20, तो 20, और ये 1s पे क्या है, 5, तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। तो जो 10s वाला नंबर होगा वो हमारा 10 से 90 के बीच में ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हमारा 4 है तो मीन्स 40, अगर यहाँ पे 5 है तो 50, 10s की प्लेस पे 225, 1 stands 100, 100 की प्लेस पे क्या है, 4, बाकी कुछ नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 400, HUNDRED 100, 1 stands 100, 100 की प्लेस पे क्या नंबर है, 300, 10s की प्लेस पे क्या है, 1 मीन्स 10, और 1s की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 310 ऐसे लिखकर इसको रहने देंगे।
वंस टेंस हंड्रेड, तो हंड्रेड की प्लेस पे क्या है नाइन, एन आई एन ई नाइन, हंड्रेड टेंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं है और फाइव, तो नाइन हंड्रेड फाइव आप डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे। वंस टेंस हंड्रेड, तो फाइव हंड्रेड, हंड्रेड की प्लेस पे क्या है फाइव, हंड्रेड नाइन, ये इस तरीके से आपका हो गया। अब राइट द नंबर, अब यहाँ पे था हमारे नंबर्स में लिखा था, इस डिजिट में था, इसको हमने नंबर नेम में चेंज किया था, अब इसको नंबर नेम में, इसको हमें नंबर लिखना है कि क्या होगा। 856, 856, 590, 590, 735, 329, 329, 129, 129, तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है 699, याद रखना है आपको वंस की प्लेस पे सिंगल, ये 90 और ये 100 में आता है। 962, आई होप जितना भी मैंने आज करवाया है ये आपको समझ में आया होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6.1 में एक्सरसाइज में, जैसे आपको ये दिए हुए हैं वैसे ही कॉपी में ड्रॉ करके और इसी तरीके से आपको कॉपी में करना है। और प्लेस वैल्यू सबको क्लियर हो जाना चाहिए, वंस में कौन से प्लेस, टेंस में कितने डिजिट्स होती हैं और हंड्रेड में कितने डिजिट्स होती हैं, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सारा आज की डेट में होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में बस इतना, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर का नाम डालेंगे, डेट डाल के नीट एंड क्लीन ये सारा होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। और होमवर्क करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करेंगे, उसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगाई जाएगी डेली। तो जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसको आपको शेयर करना होता है। होमवर्क करने के बाद आप जो बच्चा शेयर करेगा अपना होमवर्क करने के बाद, जो टीचर को सेंड करेगा क्लिक करके फोटो, उसकी ही अटेंडेंस लगेगी। ओके, बाय, टेक केयर।